मैं सभी यदुवंशी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने उस शौर्य को, अपने उस खून को पहचानिए जो आपके पूर्वजों ने इस देश के लिए बहाया था। और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे कंधे पे आज तक कहीं रेजिमेंट नहीं है, इस बड़ा दुख की बात है। वो समय आ गया है और मैंने पूरे देश के अंदर घूम घूम के एक ही नारा दिया है। इस बार आप सभी से अनुरोध है कि आपसे अगर भी कोई भी वोट मांगने आए तो उसे रेजिमेंट के बारे में जरूर पूछना, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो, चाहे वो आपका परिवार का ही क्यों ना हो, लेकिन जो अही रेजिमेंट बारे में चर्चा नहीं करता, उसके उद्देश्य मुद्दों पर नहीं बोलता, उनका बहिष्कार कीजिए। बहुत हो गई हमने, क्योंकि आज सत्ता में हमारे कितने नेता बैठे हैं, क्या उन्होंने एक बार भी रेजिमेंट के बारे में कुछ बोला? इसलिए गांव गांव में, घर घर में, हर जगह पोस्टर लगाएंगे, वोट वही पाएगा जो है रेजिमेंट बनाएगा। हम चाहते हैं कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने समाज के साथ हूं। मैं समाज के सभी लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस बार आंदोलन बहुत हो गए, एक अहिर रेजिमेंट की क्रांति हो जाए, आप सभी इसमें सहयोग करें, क्योंकि इतिहास गवाह है महाभारत के समय से कि अहिरों की क्रांति को कोई रोक नहीं पाया। इसलिए अपने जमीर को जगाइए, अब वो समय आ गया है कि अगर दी हमें रेजिमेंट के लिए शहादत भी देनी पड़े, लाठियां भी खाने पड़े, जेल भी जाना पड़े, तो हम तैयार हैं। बहुत जल्दी सभी जितने भी संगठन हैं उनके माध्यम से चुनाव से पहले हम जल्दी घोषणा करेंगे कि दिल्ली, पूरी दिल्ली के अंदर चारों ओर, चारों कोनों के अंदर सिर्फ यदुवंशियों की ही पुकार होगी, दिल्ली की सांसें बंद करने की आज प्रतिज्ञा लेके जाइए। जब तक हमारी रेजिमेंट नहीं बनेगी, 19 की किसी के सरकार नहीं बनने देंगे, सत्ता में किसी को नहीं बैठने देंगे, आज प्रतिज्ञा लीजिए, कसम खाइए, और हर उस राजनेता को प्रतिज्ञा दिलाइए कि अगर दी आप रेजिमेंट में हमारे साथ हो तो वोट मांगने आइए, वरना उनको पीछे का रास्ता दिखा दीजिए। चाहे हमें अहिरों के लिए अलग से पार्टी का गठन करना पड़े अहिर के नाम से, लेकिन वोट वही पाएगा जो ही रेजिमेंट बनाएगा। कोई भी नेता हो, जब अहिर के मंच पे खड़ा है तो उसको अहिर की बातें ही शोभा देती है, ना कि किसी पार्टी की। अगर भी कोई पार्टी की बात करता है अहिर के मंच से, उसका पुरजोर विरोध करिए, उसका बहिष्कार कीजिए। बार बार यही विनती करूंगा कि इस बार 2019 के चुनाव से पहले अगर यदि यही रेजिमेंट नहीं बना तो हम पूरे दिल्ली को जाम कर देंगे। आज ये प्रण ले लीजिए, प्रतिज्ञा ले लीजिए, चाहे हमें कुर्बानी देनी पड़े, लाठियां खाने पड़े, जेल जाना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। आपका छोटा भाई तेज बहादुर सबसे पहले आपके खड़ा मिलेगा, क्योंकि सरकार जानती है कि अकेले हाइर ने पूरी सत्ता को हिला दिया था। अब मेरे साथ जब लाखों हाइर होंगे तो सत्ता को उखाड़ के फेंकने की भी ताकत रखते हैं। अहिरों के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, वरना नसीबपुर का रन आपने देखा होगा कि आज भी बारिश होती है, लाल पानी चलता है। कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली को हम वो रन बना दें और तुम्हें दिल्ली से भागने के लिए मजबूर कर दें। तो सत्ता पे कब्जा अहिरों का ही होगा। अगर दी रेजिमेंट बनानी है तो आज से प्रतिज्ञा ले ली, पूरा अहिर समाज अगर दी समर्थन करता है तो किसी एक पार्टी का करिए जो अहिर रेजिमेंट की हां करता है। ये नहीं भाषण दे दिया हम अहिर रेजिमेंट के लिए तैयार है, नहीं, एफिडेविट दीजिए, आज आप सत्ता में है तो बनाइए, अगर दी आप नहीं बनाते तो इनका विरोध कीजिए, अगर विपक्ष वाला कहता है कि हम बनाएंगे तो एफिडेविट दीजिए, आइए हमारे स्टेज पे आइए और यहां आके प्रतिज्ञा लीजिए। इसी के साथ
मेरा एक ही नारा है याद रखे, वोट वही पाएगा। जय यादव, जय यादव। Thank you.